जहां तक कि आप सबको याद होगा कि श्रीलंकाई नागरिक जिसकी किस तरह से लोगों ने हत्या की थी। और ये जो मामले हैं लगातार कोई भी किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा देता है ब्लास्फेमी का और भीड़ उसको मार देती है, यहाँ तक कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन आज जो मामला आया है वो ताजा मामला ये है कि एक चीनी नागरिक पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा और भीड़ उसको मारने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन किसी तरह से जो पाकिस्तान सरकार है पुलिस ने चीनी नागरिक को, जैसे उन्हें पता चला कि ये चीनी नागरिक है तो उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और ये जो सर चाइनीज जो नागरिक है, एक चीनी सिटीजन, इसके जो आपको ने देखा होगा जरूर, जो एक केस आया है ब्लास्फेमी का जो इल्जाम लगा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं ये जो? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मैं चाहूंगा कि अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा ये जो ब्लास्फेमी लॉ है इसकी बैकग्राउंड पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आगे इससे बात करने वाली थी बट आप तो अभी से कर सकते हैं जी। देखिए, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फिर ये सारा सिलसिला चला, उससे पहले भारत में या हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी लॉ नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई कानून नहीं था। ये कानून बनाया था अंग्रेजों ने 19वीं सदी में, और ये कानून बनाने का मकसद ये था कि जो क्रिश्चियन मिशन वहां आ रहे थे और क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे और कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, अगर उनके खिलाफ या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या बाइबल के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगाया जाएगा। लेकिन उसकी सजा थी कुछ साल कैद या कुछ महीने कैद, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द फेलनी। तो ये आया था हिंदू जो लोग थे या जो मुसलमान भी थे, यानी लोकल जो कम्युनिटीज थे, उनके अंदर फियर पैदा करने के लिए कि अगर हमने जीसस के खिलाफ कोई बात की, अगर हमने बाइबल के खिलाफ कोई बात की या क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ कोई बात की तो हमारे ऊपर ये ब्लास्फेमी लॉ लग जाएगा और हमें सजा हो सकती है। तो ये इसका एक जनरल बैकग्राउंड ये ज़हन में रखना जरूरी है। मतलब ये हुआ कि ब्लास्फेमी लॉ का पहला मकसद जो है वो हाकिम की तरफ से महकूम के ऊपर एक खौफ की चादर चढ़ाना है कि वो आपके खिलाफ कोई बात ना कर सके, आपकी जो कल्चरल हेगेमनी है, जो आपका मजहबी सकाफती बयानिया या मजहबी सकाफती गलबा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया कि उसको कोई चैलेंज ना कर सके, और अगर चैलेंज करेगा तो जेल जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं अब जी। 1977 में पाकिस्तान में 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगा और भुट्टो की हुकूमत चली गई और ज़ियाउल्लाह की हुकूमत आ गई। ज़ियाउल्लाह ने फिर 1980 की जो डेकेड थी उसमें इस ब्लास्फेमी लॉ में अमेंडमेंट करके तो इसके अंदर सजा जो है वो डेथ कर दी, यानी ब्लास्फेमी लॉ की सजा सजाए मौत कर दी। और फिर वो पूरा जहाद अफगानिस्तान का जो 10 साल का पीरियड चला और वो सारा, उसमें फिर इसको सॉलिडिफाई किया गया, पूरी जो जनता है उसकी इस्लामिक कंडीशनिंग की गई, उनको जहाद की सपोर्ट करने के लिए उनको जहादी माइंडसेट उनके बनाए गए थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू फॉर इंस्टेंस टेलीविजन। पहले कभी टीवी पे अजान नहीं होती थी, कभी भी नहीं होती थी अजान, तसव्वुर ही नहीं था, लेकिन ज़ियाउल्लाह ने 5 टाइम टीवी के ऊपर अजान के टाइम अजान शुरू की। फिर इसी तरह से जो हज है उसकी लाइव कवरेज शुरू की, फिर शबे बरात जैसे है उसके ऊपर तमाम चैनल, जो भी चैनल थे उस वक्त के स्टेट की तरफ से, उनके ऊपर लाइव जो है वो शबे बरात दिखाई जाती थी। और फिर मौलवी थे जैसे डॉक्टर इसरार और दूसरे लोग, इनके जरिए टीवी पे इनको ला के दर्स दिए जाते थे, इस्लाम क्या है, जहाद क्या है, तो पूरा एक वो किया गया। इसी तरह अखबारात, मैगजीन्स, डाइजेस्ट, इनके सारों के जो कंटेंट था उसके अंदर इस्लाम और इस्लामिक जो भी वो समझते थे कि ये इस्लाम है, औरतें पर्दा करें,
मर्द तीन शादियां या चार शादियां कर रहा है, तो इस हवाले से वो कहानियां और वो पूरा बयानिया तैयार करके पूरी सोसाइटी की कंडीशनिंग की गई और इसको इस्तेमाल किया गया जिया के दौर में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए, उनमें फियर करने के लिए कि भाई ठीक है जिया उल हक के खिलाफ नारा लगाओगे तो 2 साल कैद हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने इस्लाम के खिलाफ कोई बात की या ना भी की और तुम्हारे ऊपर ब्लैसफेमी लॉ लग गया तो तुम तो मारे जाओगे। तो इस जी तरीके से उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिव कम्युनिटी थी उसके अंदर एक खौफ पैदा करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये ब्लैसफेमी लॉ में सजाए मौत पैदा की, जिसके बाद ये नारे लगे खात्मे रसूल की सजा सातन से जुदा। अब आ जाते हैं चाइनीज की तरफ। अब जैसा आपने शुरू में जिक्र किया वो प्रिया नाथा कुमारा जो श्रीलंकन थे जी जिनको जिंदा जला दिया गया ब्लैसफेमी के चक्कर में, वो मजदूरों से आर्ग्यू कर रहे थे कि तुम काम सही नहीं कर रहे, टाइम जाया कर रहे हो, तो उन्होंने लड़ाई हुई और उन्होंने ब्लैसफेमी का इल्जाम लगा के उसको जला दिया। इसी तरह ये चाइनीज इंजीनियर भी उनको कह रहा था कि तुम लोग जो है बहुत सुस्त हो गए हो रमजान के महीने में, तो तुम्हें तो ज्यादा काम करना चाहिए और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है दासू डैम का। तो उन्होंने वहां आर्गूमेंट हुआ, उन्होंने कहा जी इसने तोहिन अल्लाह की तोहिन की है और मारने लगे थे उसको, तो फिर उसको पुलिस ने प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया। तो ये एक हथियार के तौर पर जो है ब्लैसफेमी लॉ को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये खुद ब्लैसफेमी लॉ पाकिस्तान को काटने के लिए आ गया है। जैसे इनके दोस्त हैं चाइनीज, तो अब वो चाइनीज को काटने के लिए आ गया। इससे पहले कराची में आपको पता है चाइनीज मारे गए थे, तो वहां 90% बिजनेसेस जो चाइना के थे बंद हो गए। फिर दासू डैम पर ही 2021 में जो है 9 चाइनीज इंजीनियर कत्ल हो गए थे। उसके अलावा चाइना ने अब अपना जो काउंसलर सेक्शन है इस्लामाबाद में एम्बेसी में वो भी बंद कर दिया है और अब ये वाकया हो गया। तो ये एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो तंग पड़ चुके हैं चाइनीज से, क्योंकि जो उनको ख्वाब दिखाया गया था 10 साल पहले कि सी पैक की वजह से यहाँ बड़ी तरक्की होगी, रोजगार आएगा, खुशहाली आएगी, वो उनको नजर नहीं आ रही। तमाम जो जॉब्स हैं वो चाइनीज कर रहे हैं वहां पे और जो लेबर है वो सारी लोकल है। तो क्या उनके जिंदगी में तब्दीली आई? कोई नहीं आई, बल्कि उल्टा उनकी मादनियात लूटी जा रही है। तो वो गुस्सा जो है वो कोई भी बहाना चाहिए उसको बाहर निकलने का, इस दफा वो ब्लास्फेमी के जरिए निकला है। जी जी अच्छा मिर्जा साहब, जैसे आपने ब्लास्फेमी लॉ को लेकर आपने जो पूरी बैकग्राउंड आपने डिस्क्राइब की उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो भारत में भी वो लॉ रहा और अमेंडमेंट हुआ पाकिस्तान में, जो उसमें सजाए मौत ऐड की गई और जिसका इस्तेमाल किस तरह से वहाँ पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उन्होंने एक इस्लाम के नाम पर लोगों के अंदर तौहीन रिसालत के नाम पर जो एक जो माइंडसेट तैयार किया वो उसका नतीजा ये होता है कि कभी किसी हिंदू औरत को अलाइव स्किन कर देते हैं, कभी किसी श्रीलंकाई को जला देते हैं, मुसलमानों को भी मार मार देते हैं, भीड़ किसी के काबू में नहीं आती। लेकिन इस बार ये देखा गया पहली बार कि एक चाइनीज को किस तरह से पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, बचा लिया उसको, अदरवाइज पुलिस भी काबू उनके उनको काबू नहीं कर पाती। सवाल मेरा ये कि इस तरह से लगातार आए दिन पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पर इस तरह से लोगों की हत्याएं होती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो ना इसका नोटिस लेते और ना ही पाकिस्तान में हम एक इसके लिए आवाज देखते हैं कि नहीं, ये नोटिस तो लेते हैं, नोटिस तो लेते हैं। स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है पाकिस्तान में इसी वजह से कि वो समझते हैं कि उनको खतरा है, वहां के स्वीडिश लोगों को खतरा है, उन्होंने सारा स्टाफ वापस बुला लिया, एम्बेसी बंद कर दी है। तो ये स्टेप्स तो लेते हैं, लेकिन जो आप स्टेप चाह रही है ना कि उसको कंडेम करें ओपनली और उसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉ लेके आए, वो नहीं ला सकते, वो नहीं ला सकते। वो पाकिस्तान के अवाम जब तक इनकलाब नहीं करते और इन तमाम फरसूदा जो कवानीन है इनको तारीख के कूड़ेदान में नहीं फेंकते, ये नहीं हो सकता। देखिए ना, ब्लैसफेमी लॉ का मतलब ये है कि आप ना तो कुरान को चैलेंज कर सकते हैं, ना इस्लाम की जो सो कॉल्ड हिस्ट्री हम पे मुसल्लत की जाती है लोगों पे उसको चैलेंज कर सकते हैं,
मतलब है आप सोसाइटी के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मजहब की तौहीन के नाम पर आप सलब कर रहे हैं, आप उसको किल कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ बाहर की दुनिया तो कुछ नहीं कर सकती, इसके खिलाफ तो जो वहां रहने वाले हैं उनको एक ऐसा इनकलाब लाना पड़ेगा जिसमें फौजी जर्नैल, मुल्ला, जागीरदार, इन सारों से को हटा के वहां पे एक अवाम की इनकलाबी हुकूमत कायम हो जो इन तमाम अवाम दुश्मन जो कवानीन है इनका खात्मा कर सके। वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो तो जिस तरह से एक रेडिकल माइंडसेट पाकिस्तान की आवाम का तैयार किया गया है, आए दिन इस तरह की चीजें, या फिर हम जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर हावी होता देख रहे हैं, उस सूरत हाल में तो ये पॉसिबल होता नजर नहीं आता। लेकिन एक बात यह है कि ये पाकिस्तान जो मजहब की बुनियाद पे जिसका जन्म हुआ, जो बंटवारा हुआ, वो हमेशा भारत को लेकर हमेशा इस तरह की तनकीद करता है और इस तरह का एक नैरेटिव ग्लोबली पैडल करता है कि भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज को लेकर मुसलमान मेरे सामने बैठी हुई है, बड़ा जुल्म हो रहा है, पार लिया गया आपका, बड़ा जुल्म हो रहा है, आपने हंसा दिया मुझे। लेकिन मैं उस नैरेटिव पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि एक इंसान या एक देश जिसकी बुनियादी मजहब के नाम पर, नफरत के बुनियाद पे हुई हो, वो किस तरह से भारत को इस तरह की नसीहत कर सकता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। वो देखें जी, उसके उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा है कि पाकिस्तान की अब सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू रह गई है, पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूटरी वैल्यू नहीं है कि वो सोसाइटी को या रीजन को या दुनिया को कोई चीज कंट्रीब्यूट करेगा, वो सिर्फ गंद ही डाल सकता है और वो गंद डाल रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जुमतुल विदा था ना जिस दिन, लास्ट जुमा, तो जुमतुल विदा को पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है वहां के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें तस्वीरें छपी हैं के श्रीनगर में हर जगह बाढ़ वायर लगी हुई है और फौजी गने लेके खड़े हुए हैं, तो लिखा है कि भारत का पता नहीं कब्जा और ये और वो इस तरह से, जबकि हकीकत ये है कि जुम्मतुल वदा को हजरत बल्क में तारीख की सबसे बड़ी जुम्मतुल वदा की नमाज अदा हुई, वो नहीं दिखा रहे। तो वो जो मर्जी करते रहे, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और उनके लोग अगर बेवकूफ बनना चाहते हैं और वो नहीं उस हॉल से निकलना चाहते तो ये उनका फैसला है, और इसके लिए बड़ी जदोजहद की जरूरत है वहां के लोगों को, वहां के जो दानिश्वर तबका है उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बगैर तो नहीं है ये। अब मैं मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, वो भाई सच बोलते हैं तो बाद में आता है, आप ये भी तो देखो ना सच बोलने की कितनी कुर्बानी पहले के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा कि हाँ मैं ये कुर्बानी दूं, दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, सारी कुर्बानियों को सामने रख के जिसमें खानदान है, दौलत है, जायदाद है, अपनी जाति सेफ्टी है, इन सारी चीजों को सामने रख के फिर ये फैसला किया कि हाँ मैंने ये काम करना है। भाई छूट जाए, बहन छूट जाए, बीवी छूट जाए, औलाद छूट जाए, फाका फाके कर लो, कपड़े के पैसे ना हो, जो मर्जी हो, जितना मर्जी मेरे पे तंगी आए, मैंने ये काम करना ही करना है। तो इतनी रेजोल्यूशन के बाद, इतने तकवे के बाद जिसको आप कहते हैं इस्लाम में, इतनी जो है वो कमिटमेंट के बाद के बगैर, इतनी कमिटमेंट के बगैर जो है इस समाज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और क्या फायदा ऐसे समाज में रहने का जिस समाज में आप घुट घुट के जिए, उससे बेहतर यह है कि आप खुला सांस लेके जिए, चाहे एक दिन के लिए जिए, फेफड़ों में हवा, दिमाग में ताजगी के साथ जिए, चाहे एक दिन जिए, आजादी जब तक नहीं होगा तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान में। बिल्कुल, आजादी बहुत बड़ी चीज होती है और जिस तरह से हम जहनी आजादी तो वहां पर बिल्कुल नहीं है, आप बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, सोच को किस तरह से कंट्रोल किया है, आप किसी से कोई एक रैशनल टॉक करने की कोशिश करें लेकिन उधर से सिर्फ रेटरिक आता है, जो स्क्रिप्ट दिमाग में डली है बस उसी पे रहते हैं,
फैक्ट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा मैं आपको एक सच्चा वाक्या सुनाता हूँ। मैंने आज तक ये किसी चैनल पे किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं किया, लेकिन आपकी बात से, वो कुर्बानी की बात से, वो हमारे कॉलेज में ना एक मजमून नवीसी नहीं होती, उसका मुकाबला था। तो उसमें ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है इसके ऊपर आप लिखें। मतलब उनका ये था कि जी पाकिस्तान जो है मोहम्मद बिन कासिम आया तो पाकिस्तान ये इस तरह से। तो मैंने लिखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखने के तीन ही जाविये हैं। एक तो जाविया ये है कि इसको 1947 से शुरू किया जाए कि पाकिस्तान बना और फिर ये एक मुल्क बना। दूसरा है इसको देखना कि मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला हुआ था हमारे देश पे, वो इस्लाम इन्वेडर्स जो आए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स, और फिर वो फैल गए सिंध में और फिर बाकी इंडिया में, तो वहां से देखा जा सकता है। लेकिन मैंने आर्ग्यू ये किया था कि ये दोनों ही, आई वॉज ओनली 17, मैंने आर्ग्यू ये किया था कि ये दोनों ही गलत है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हिंदुस्तान की तारीख के साथ हम रिलेटेड है, और मॉडर्न हिंदुस्तान शुरू होता है जुलाई 1498 को, जब वास्को डिगामा का बहरी जहाज लिस्बन से बालामार पहुंचता है, क्योंकि वो फिर फेज चेंज होती है हमारी हिस्ट्री की, और हम एक इंडिपेंडेंट लूज काइंड ऑफ कॉन्फेडरेशन से हम एक सप्रेस्ड कॉलोनियल समाज में दाखिल हो जाते हैं, और वहीं से फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर अंग्रेज आए, और फिर फ्रेंच आए, और फिर ये पोर्चुगीज, ये सारे जो थे। तो हमारा पाकिस्तान की तारीख, मैंने कहा वहां से शुरू होती है, हमारी तारीख वहां से शुरू होती है, इस खित्ते की तारीख, और हम अपने खित्ते की तारीख को इस्लाम के साथ जोड़ के नहीं, वो मुझे निकाल ही दिया उन्होंने। आपको निकाल दिया था? निकाल दिया। ये उम्मीद थी मुझे। तो आप अंदाजा लगाओ कि जिस मुल्क में आप साइंसी बुनियादों पे, साइंटिफिक बुनियादों पे आप सोसाइटी का एनालिसिस नहीं कर सकते, जब तक कि उसको इस्लाम का तड़का ना लगाया हो, वहां क्या माइंडसेट पैदा होगा नया? ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन, बड़ी अजीब सूरत हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अपने यहाँ तो सब कुछ कंट्रोल है, सब कुछ इस्लाम के नाम पे, जैसे कि आपने कहा जब तक इस्लाम का तड़का ना लगे तब तक कोई चीज नहीं बनेगी। लेकिन दूसरे को बड़ा दर्स देना है, जो एक वाकई में फ्री कंट्री है इन ट्रू सेंस, इंडिया की हम बात करें। अच्छा, हाल ही में जो एक हत्या हुई, मर्डर हुआ अतीक और अशरफ दो भाइयों का, जो कि माफिया थे, उसको लेकर भी पाकिस्तान में बड़ा इस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मुसलमानों पे जो अभी मौजूदा सरकार है, संगठन और ये और वो, बड़ा जबकि हम सब जानते हैं कि उनपे बहुत सारे केसेस थे माफिया। इसमें दो चीजें हैं ना जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी नहीं थी इनफ। आप अगर वीडियो देखे तो उसके चारों तरफ तो पुलिस थी। अब जाहिर इतना हाई वैल्यू अगर क्रिमिनल होता है तो उसको बख्तरबंद गाड़ी में लेके आना चाहिए था, या उसको ज्यादा हिफाजत उसकी कर, उसको पब्लिक में ऐसे पैदल नहीं लेके आना चाहिए था। तो वो, लेकिन जब किसी शख्स ने ये इरादा कर लिया हो ना कि उसने कत्ल करना है किसी को, आप फिर उस वो फिर बच नहीं सकता अगर सामने आमने आ जाए, और वो जर्नलिस्ट के रूप में आए, उन्होंने गोली मार दी। यहां दूसरा मसला आ जाता है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में खुश हैं, वो कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी, बहुत क्रिमिनल था, बड़ा ये था, बड़ा वो था, तो वो कह रहे हैं कि ये मार दिया तो बहुत अच्छा हो गया। यहां आ जाता है ये क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है, यानी कि इस तरह से अगर मारा धाड़ी शुरू हो जाए तो फिर तो पूरे समाज के अंदर जो है वो एक इंतजार फैल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कानून के जरिए जो है सजा मिलनी चाहिए। तीसरी चीज अब ये आ रही है, आज मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि जी इसको इसकी पार्टी के ही लोगों ने मरवाया है, क्योंकि इसके पास राज बड़े थे, और ये वो क्या कहते हैं उसको, वादा मुआफ गवाह बनने लगा था, तो उन्होंने उसको उड़ा दिया। अब इफ यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन, इट्स एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं।
इनफैक्ट उनके कुछ पास्ट के 2004 के जो जब चुनावी भाषण दे रहे थे उस वक्त के भी ज्योति कैमद उनकी वो चीजें वायरल हो रही हैं और मीडिया भी कोट कर रहा है कि उन्होंने खुद कहा था कि किसी दिन हम सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे या तो कोई अपनी ही बिरादरी का कोई पता होता है ना, इंसान को पता होता है, इंसान को पता होता है। जैसे मैं हूँ, अब मैं तो नहीं ये कहता कि किसी दिन मैं सड़क के किनारे पड़ा मिलूंगा,